मैं हूँ विकास सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ओमेगा विथ मिराकल चैनल में। तो आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं आपको सॉलिड स्टेट चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 केमिस्ट्री का VVA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2021 के लिए बहुत बहुत क्या है इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे 35 क्वेश्चन जो 30 मार्क्स के होंगे, 35 मार्क्स के होंगे। तो आप पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने आप को देखिए कि आप कितना तक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि डेली का अपडेट आपको बिना किसी रुकावट के आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के रूप में मिलता रहेगा। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया कि इनमें कौन सा ठोस अवस्था में सहसंयोजक क्रिस्टल के रूप में रहता है, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, सिलिकन। तो आंसर आपका हो जाएगा सिलिकन। दूसरा क्वेश्चन में देखिए कि BCC इकाई सेल में मुक्त खाली स्थान कितना होता है। BCC का मतलब क्या होता है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक इकाई सेल में फ्री स्पेस कितना होता है? ए में है 32%, बी में है 34%, सी में है 28%, डी में है 30%। तो आपका आंसर हो जाएगा 32%। कितना हो जाएगा? 32%। और वही आपको पूछ दें कि पैकिंग इफिशियंसी क्या होगा, कितना होगा। तो पैकिंग इफिशियंसी जब पूछेगा तो आपको फ्री स्पेस को क्या कर देना है, 100 को में से माइनस कर देना है। ठीक है, अगर आपको फ्री स्पेस पता है और आपसे पैकिंग इफिशियंसी पूछ दिया, संकुलन क्षमता पूछ दिया, तो आप क्या करेंगे, 100 में से फ्री स्पेस को माइनस कर देंगे तो आपका निकल जाएगा पैकिंग इफिशियंसी। ठीक है, तो यहाँ पर BCC में पैकिंग इफिशियंसी कितना हो गया, 68% हो गया। कितना हो गया? 68% हो गया। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक धातु का क्रिस्टल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग संरचना में है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगी। एक धातु का क्रिस्टल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में है, HCP में स्ट्रक्चर में है, तो धातु की समन्वय संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में है 12, बी में है 8, सी में है 4, डी में है 6। तो कितनी आंसर हो जाएगी आपकी? 12 हो जाएगी, क्योंकि क्लोज पैकिंग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आपको एक एटम के चारों ओर 12 एटम होते हैं। चलिए फोर नंबर क्वेश्चन दिया है कि किसमें HCP संरचना पाई जाती है, किसमें HCP क्रिस्टलीय संरचना होती है। HCP का मतलब क्या होता है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ऑप्शन ए में है BCC और FCC, बी में है HCP और सिंपल क्यूबिक, सी में है HCP और CCP, और डी में है BCC और SCP। तो आपका आंसर हो जाएगा HCP और CCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग। चलिए फाइव नंबर क्वेश्चन चलते हैं। फाइव नंबर क्वेश्चन दिया कि क्लोज पैकिंग में गोलों की संख्या n है तो जनित ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या क्या होगी। क्लोज पैकिंग में गोलों की संख्या n है तो जनित ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या क्या होगी। तो ऑप्शन ए में है n/2, बी में है 2n, सी में है n, डी में है 4n। तो कह रहे हैं क्लोज पैकिंग में गोलों की संख्या n है तो जनित ऑक्टाहेड्रल, तो जनित ऑक्टाहेड्रल की वॉइड की संख्या क्या होती है, n होती है। और वहीं आपको पूछ देता टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी होगी, तो 2n होती है। ठीक है, जनित ऑक्टाहेड्रल की संख्या कितनी होती है, n होती है। वहीं आपसे टेट्राहेड्रल पूछ देता तो 2n होती है। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 6 में है विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों में जालक व्यवस्था की कुल संख्या कितनी होती है। विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों में जालक व्यवस्था की कुल संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए में है 7, बी में है 3, सी में है 10, डी में है 14। तो आपको कितने तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, कितने तरह के क्रिस्टल होते हैं, तो 14 होते हैं। 7 में है कि एवोगाड्रो नंबर बराबर है। ऑप्शन ए में आपको है 6.022 10^24, बी में है 6.022 10^23, सी में है 6.022 10^-23, और डी में है 11.2। तो एवोगाड्रो नंबर यानी कि एवोगाड्रो नेतांक, एवोगाड्रो संख्या आपको 6.022 10^23 होती है, यानी कि 7 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
8 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका के, किसी फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई 508 पीएम है। यदि धनायन की त्रिज्या 110 पीएम हो तो ऋणायन की त्रिज्या क्या होगी? ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे कि किसी फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई 508 पीएम है, यदि पॉजिटिव रेडियस की त्रिज्या 110 पीएम हो तो ऋणायन की त्रिज्या क्या होगी? ऑप्शन ए में है 288, बी में है 144, सी में है 618 और डी में है 398। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, 8 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी। लेकिन बनाएंगे कैसे? तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे कि ए बाई टू बराबर आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव। ठीक है, ए बाई टू बराबर आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव। तो ए कितना है? ए मतलब कोर की लंबाई, तो कोर की लंबाई कितना है? 508 बटा 2 हो गया। और आर पॉजिटिव, आर पॉजिटिव दिया है 110 और आर नेगेटिव नहीं पता। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 508 बटा 2 को सॉल्व करेंगे और 110 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो आपका आ जाएगा आर नेगेटिव 144 पीएम। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि क्षारीय धातु हैलाइडो, कह रहा है क्षारीय धातु हैलाइडो के रंगीन होने का सामान्य कारण क्या है? क्षारीय धातु हैलाइडो के रंगीन होने का सामान्य कारण क्या है? ऑप्शन ए में है अंतर्काशीय स्थल, बी में है अपकेंद्र, सी में है शॉर्टकी डिफेक्ट, डी में है फ्रेंकल डिफेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा अपकेंद्र। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम ऑक्साइड Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगी? सोडियम ऑक्साइड Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगी? ऑप्शन ए में है 6, बी में है 4, सी में है 8, डी में है 2। तो सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है आपकी? 4 होती है। और वहीं ऑक्सीजन के पूछें, ठीक है, सोडियम कितनी होती है? 4 होती है। वहीं आपको ऑक्सीजन के पूछें तो क्या हो जाती है? 8 हो जाती है। क्लियर है, ये सब इसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। चलिए 11 में क्वेश्चन दिखा रहा है कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स में रिक्त की त्रिज्या आर और गोले की त्रिज्या का अनुपात क्या है? टेट्राहेड्रल वॉइड्स में रिक्त की त्रिज्या आर और गोले की त्रिज्या का अनुपात क्या है? ऑप्शन ए में है 0.115 आर, बी में है 0.225 आर, सी में है 0.416 आर और डी में है 0.445 आर। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 0.225 आर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक्स और वाई तत्वों से बना एक यौगिक एक ऐसे घनीय संरचना में किष्टीकृत होता है जिसमें एक्स के परमाणु घन के कोने पर और वाई के परमाणु फलक के केंद्रों पर स्थित हैं। इस यौगिक का सूत्र क्या है? ठीक है, इस यौगिक का सूत्र क्या है? आपका ऑप्शन नंबर ए लिख रहा है एक्स वाई थ्री होगा, लेकिन कैसे होगा ये जानिए। यहाँ पर ऐसे आप क्या करेंगे? स्ट्रक्चर बनाएंगे, सॉरी एक ही बार रहेगा, ये आप क्या बनाएंगे? स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक हो गया, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, एक क्यूबिक हो गया। तो कह रहा है एक एक परमाणु जो है घन के कोनों पर है, कितना है? एक एक परमाणु जो है घन के कोनों पर है, इसका मतलब हुआ 8 × 1/8। तो यहाँ से एक हुआ, ठीक है, ये मान ली एक्स एटम है, एक्स एटम का हो गया आपका 1। अब कह रहा है जिसमें एक्स के परमाणु फलक केंद्रों पर हैं, तो फलक मतलब क्या होता है? फलक इसे कितना होता है? 6, और 1/2 एटम भाग लेता है, तो कितना हो जाएगा? 3। तो x का 1 आया, y का 3 आया, इसलिए आप क्या लिखेंगे? एक्स वाई 3। चलिए 13 क्वेश्चन है, क्रिस्टलों में संभावित आकाशीय जालक के कितने प्रकार हैं? क्रिस्टलों में संभावित आकाशीय जालक कितने प्रकार हैं? तो आपका 13 का ऑप्शन नंबर जाएगा डी 14 प्रकार के हैं। 14 में दिया है कि फ्रेंकल दोष किस में होता है? फ्रेंकल दोष किस में होता है? ऑप्शन ए में है NaCl, बी में है ग्रेफाइट, सी में है AgBr और डी में है हीरा। 14 में है
फ्रैंकल दोष किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन ए में है NaCl, बी में है ग्रेफाइट, सी में है सिल्वर ब्रोमाइड और डी में है हीरा। तो आपका फ्रैंकल दोष किससे पाया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड में पाया जाता है। 14 का ऑप्शन में हो जाएगा सी। चलिए 15 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है? निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है? ऑप्शन ए में है ग्रेफाइट, बी में है क्वार्टर ग्लास, सी में है क्रोम एलम, डी में है सिलिकॉन कार्बाइड। तो आपका क्वार्टर ग्लास जो है बेरवादार क्या है? ठोस है। 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि रॉक साल्ट प्रकार के संरचना में प्रत्येक आयन की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होती है? रॉक साल्ट प्रकार की संरचना में प्रत्येक आयन की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होती है? ऑप्शन ए में है 1, बी में है 3, सी में है 5 और डी में है 6। तो इतने होती है आपको 6 होती है, क्योंकि NaCl इसका फॉर्मूला होता है NaCl। तो Na का भी Na प्लस में भी 6 होता है और Cl नेगेटिव में भी क्या होता है? 6 होता है। ठीक है, चलिए 17 में क्वेश्चन कर रहा है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस रेशियो क्या है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस रेशियो क्या है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, 0.414, 0.414। चलिए 18 में क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन अकिस्टलीय ठोस पदार्थ है? कौन जो है एमॉर्फस है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है हीरा, बी में है ग्रेफाइट, सी में है कांच, डी में है साधारण नमक। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, कांच। कांच क्या है? अकिस्टलीय ठोस है। चलिए 19 क्वेश्चन देखेंगे कि एक घनीय ठोस दो तत्वों से पी तथा क्यू का बना है, परमाणु क्यू जो है घन के कोने पर स्थित है एवं पी जो है अंतः केंद्र पर, तो पी तथा क्यू का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? तो पहले इसका स्ट्रक्चर अगर आपको पता हो जाए तो आप बता सकते हैं। तो घन के कोने पर है, ठीक है, एक एक एटम जो है घन के कोने पर है। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे किस चीज़ का है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो है आपको किस चीज़ का है, यहाँ से आ जाएगा। गलत हो गया ना, इसका स्ट्रक्चर जो है आपको बीसीसी प्रकार की बननी चाहिए। ठीक है, एक एक कोने पर है, एक एक कोने पर है और पी जो कह रहा है अंतः केंद्र पर है। तो यह संरचना जो है आपको बीसीसी की है। किस प्रकार की संरचना है? बीसीसी प्रकार की संरचना है। तो बीसीसी में क्या होता है, एक एटम के चारों ओर कितने एटम होते हैं? 8 एटम है, इसलिए कोऑर्डिनेशन कितनी हो जाएगी? 8। यानी कि 19 का ऑप्शन में क्या जाएगा? सी, कोऑर्डिनेशन कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। चलिए 20 नंबर दिया है कि चतुष्फलकीय रिक्ति के लिए रेडियस रेशियो क्या है, यानी टेट्राहेड्रल वॉइड्स के लिए रेडियस रेशियो क्या है? ऑप्शन ए में है 0.212, बी में है 0.225, सी में है 0.414 और डी में है 0.732। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 0.225। चलिए 21 में कहता है कि SCC में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? सिंपल क्यूबिक एकक सेल सरल घनीय कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3, डी में है 4। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1। तो इसको कैसे जानेंगे? आप याद कर लेंगे, SCC के लिए कितना होता है? 1 होता है। BCC के लिए कितना होता है? 2 होता है। और FCC के लिए कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, SCC में परमाणु की संख्या कितनी होती है? 1 होता है। BCC में 2 होता है। FCC में 4 होता है। चलिए 22 में है कि चुंबकीय आघूर्ण को किस में व्यक्त किया जाता है? चुंबकीय आघूर्ण को किस में व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन ए में है कूलम, बी में है वोल्ट, सी में है बोर मैग्नेट, डी में है वाट। तो चुंबकीय आघूर्ण को आपको बोर मैग्नेट में सूचित किया जाता है।
जिसको शॉर्ट में हम BM लिखते हैं, तो चुंबकीय आघूर्ण का एस आयमात्रक बोर मैग्नेट होता है। तो 22 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी। चलिए 23 दिया है कि जिंक का चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है। जिंक का चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, ऑप्शन ए में है 0 BM, बी में है 2 BM, सी में है √2 BM और डी में है 3 BM। तो आपको बताया गया था कि जिंक चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू बराबर √N इंटू एन प्लस 2 BM। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है चुंबकीय आघूर्ण निकालने का कि म्यू बराबर √N इंटू एन प्लस 2 BM, जहां N क्या होता है, N होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। N क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो जिंक का जब आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो जिंक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आता है, जिंक का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाता है। इसलिए जब इसको भरेंगे इसमें तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसलिए 23 का ऑप्शन में क्या है, ए सही है, 0 BM। ठीक है, 24 में देखेंगे। 24 कह रहा है कि लोहा किस प्रकार का पदार्थ है, फेरस किस प्रकार का पदार्थ है, ऑप्शन ए में है अनुचुंबकीय, बी में है प्रतिचुंबकीय, सी में है लौह चुंबकीय, डी में है प्रतिलौह चुंबकीय। तो लोहा जो है आपका लौह चुंबकीय पदार्थ है। 24 का ऑप्शन में हो जाएगा सी, लौह चुंबकीय पदार्थ। चलिए 25 में है, एक बोर मैग्नेट किसके बराबर है, एक बोर मैग्नेट किसके बराबर है, ऑप्शन ए में दिख रहा है 9.27 × 10²⁷ एम्पियर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी में दिख रहा है 9.27 × 10²⁴ एम्पियर मीटर स्क्वायर, सी में दिख रहा है 9.27 × 10²³ एम्पियर मीटर स्क्वायर और डी में आपको दिख रहा है 24 एम्पियर स्क्वायर। तो 25 का ऑप्शन हो जाएगा बी, 9.27 × 10²⁴ एम्पियर मीटर स्क्वायर। चलिए 26 में है, 26 में है यदि किसी क्रिस्टल का रेडियस रेशियो, यदि किसी क्रिस्टल का रेडियस रेशियो आपको 0.414 से 0.732 के बीच में आता है, तो उसकी कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होती है। ठीक है, यदि किसी क्रिस्टल का रेडियस रेशियो 0.414 से लेकर 0.732 आता है, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है। तो इसकी कोऑर्डिनेशन में कितनी होती है, 6 होती है, ये आप याद कर लेंगे। यानी कि इसका रेंज होता है 0.414, आपका स्टार्ट होता है 0.225 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 0.225 से अगर 0.414 होता है, तो उसकी कोऑर्डिनेशन में कितनी होती है, 3 होती है। कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, और यहाँ पर कितनी होती है, 6 होती है। 27 में दिया है कि Na+ 10 Cl आयनों की त्रिज्याएं क्रमशः 0.95 एंगस्ट्रम तथा 1.81 एंगस्ट्रम है। तो NaCl आयनिक क्रिस्टल में Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो आपको इसको निकालने के लिए आपको रेडियस रेशियो निकालना पड़ेगा, R पॉजिटिव बाय R नेगेटिव। ठीक है, R पॉजिटिव कितना है आपको, 0.95 एंगस्ट्रम है, और ये क्या है आपको, 1.81 एंगस्ट्रम है। ठीक है, इससे जब आप इसको डिवाइड देंगे तो इसका रेंज क्या आएगा, डिवाइड देने पर इसका रेंज आएगा 0.414 से 0.732 के रेंज में आएगा, यानी इसके बीच में इसका आंसर आएगा, वैल्यू आएगा जब आप डिवाइड करेंगे। तो उस कंडीशन में आपका क्वेश्चन में कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। कितना हो जाता है, 6 होता है। 27 क्वेश्चन हो जाएगा सी। चलिए 28 में कह रहा है कि एस सी सी में पैकिंग इफिशियंसी यानी संकुलन क्षमता कितनी होती है। ऑप्शन ए में है 52.36%, बी में है
74%, सी में है 68% और डी में है 32%। तो एसएससी में आपकी जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है 52.36% होता है, और कहीं कहीं आपको 52.36% को आपको शॉर्ट में लिखा जाता है 52.4%। ठीक है, ए भी सही है, तो हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए 26 में देखते हैं कि कांच होता है, कांच होता है ए में है सूक्ष्म क्रिस्टलीय ठोस, बी में है अतिशीतित द्रव, सी में है जेल और डी में है समाकृतिक मिश्रण। तो कांच जो है आपका सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, यानी कि 29 का ऑप्शन हो जाएगा बी अतिशीतित द्रव। 30 में दिया है कि CSCl सीजियम कोलाइड का उपसंयोजन संख्या का अनुपात क्या होगा, सीजियम कोलाइड का उपसंयोजन संख्या का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन ए में है 6:6, बी में है 8:8, सी में है 4:4, डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा 8:8, यानी कि 30 का ऑप्शन हो जाएगा बी। 31 में है कि शॉर्टकी तथा फ्रेंकल दोष होते हैं, शॉर्टकी तथा फ्रेंकल दोष होते हैं। ऑप्शन ए में है नाभिकीय दोष, बी में है परमाणु दोष, सी में है क्रिस्टल दोष और डी में है आणविक दोष। तो शॉर्टकी तथा फ्रेंकल दोष जो है आपको क्रिस्टल डिफेक्ट्स होते हैं, यानी 31 का ऑप्शन हो जाएगा सी क्रिस्टल दोष। चलिए 32 में है कि 32 में दिया है कि इनमें कौन मैग्नेटिक मोमेंट का सूत्र है, चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला कौन है। तो म्यू बराबर फर्स्ट ऑप्शन, म्यू बराबर सेकेंड, सी और थर्ड फोर, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर ए सही है, म्यू बराबर रूट अंडर एन इंटू एन प्लस टू पी एम, यानी कि 32 का ऑप्शन हो जाएगा ई। चलिए 33 में है इनमें कौन ब्रैग समीकरण है, इनमें कौन ब्रैग इक्वेशन है। ऑप्शन ए में है एन लेमडा बराबर 2D cos थीटा, बी में है एन लेमडा बराबर 2D sin थीटा, सी में है एन लेमडा बराबर 2D tan थीटा और डी में है एन लेमडा बराबर 2D cos थीटा। ठीक है, तो ब्रैग समीकरण का फॉर्मूला है एन लेमडा बराबर 2D sin थीटा, जहां एन बराबर क्या होता है परावर्तन का क्रम होता है, लेमडा बराबर क्या होता है परावर्तन समांतर तलों के, यानी कि जो तरंग जो आपकी लाइट होगी उसका तरंग दैर्ध्य होता है, और डी अब क्या होता है समांतर क्रम प्लेटों के बीच की दूरी होती है, और थीटा उनके बीच क्या है एंगल होता है। ठीक है, तो एन बराबर परावर्तन क्रम, ऑर्डर आपका होता है रिफ्लेक्शन का। अगर आपको बोला गया कि प्रथम क्रम का है तो वहाँ पर एन का वैल्यू 1 होता है, बोलेगा कि आपका जो परावर्तन है क्रम है वह 2 ऑर्डर का है तो वहाँ पर 2 हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एफसीसी जालक में त्रिज्याओं के मध्य की दूरी क्या होती है, एफसीसी जालक में त्रिज्याओं के मध्य की दूरी क्या होती है। ऑप्शन ए में दिया है आर बराबर ए बाई टू, बी में दिया है आर बराबर रूट थ्री बाई फोर ए, सी में दिया है आर बराबर ए बाई टू रूट टू और डी में दिया है आर बराबर ए। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आर बराबर ए बट्टा टू रूट टू, जहाँ आर बराबर रेडियस और ए बराबर एज लेंथ। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें बीसीसी की पहचान करें, इनमें बीसीसी की पहचान करें, यानी कि बड़ी सेंटर्ड क्यूबिक एकक सेल की पहचान करनी है। तो बीसीसी में क्या होता है कि एक एटम बॉडी के सेंटर में होता है और प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक एटम होते हैं, इसमें कौन हो जाएगा आपको दिख रहा है। पहला जो ऑप्शन है वो आपका एससीसी है, दूसरा ऑप्शन जो है वो क्या है बीसीसी है, और तीसरा ऑप्शन जो दिख रहा है डी ऑप्शन जो दिख रहा है वह ईसीसी है, और सी में है तो आपको कुछ हो नहीं, वो आपका यूनिट नहीं है। ठीक है, तो 35 का ऑप्शन वो क्या हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से आप बना भी सकते हैं और
नहीं अगर रहती है तो आप उसको डेली प्रैक्टिस करें, आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स आएगा। तो इसी तरह डेली आप ऑब्जेक्टिव टाइप का, सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, डेली लाइव स्ट्रीम, डेली आप क्लास का लेक्चर, क्लास 12 केमिस्ट्री का पाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर पहुँचे। और एक और जरूर सूचना कि अपने दोस्तों और फ्रेंड्स में जरूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को लाभ ले सकें। थैंक्स माय वाचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम।